आइए बात करते हैं सीताराम डेरा बस स्टैंड स्थित गैराज में भी हजारों रुपए के सामानों की चोरी की। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बस स्टैंड के पास स्थित गैराज में बीती रात चोरी हो गई। चोर गैराज की दीवार तोड़कर वहां से गैराज में रोज काम आने वाले करीब 15,000 रुपए मूल्य के कई उपकरण चोरी कर ले गए। बता दें कि रविवार देर रात सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बस स्टैंड के पास स्थित लाल बाबू मिस्त्री के गैरेज की दीवार तोड़कर अज्ञात चोर वहां से करीब 15,000 रुपए मूल्य के सामान चोरी कर ले गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि कुछ लोग उनसे रंगदारी की मांग करते हैं और नहीं देने पर गैरेज के सामान गायब कर देने की धमकी देते हैं। घटना के संबंध में चेसिस की पत्ती का काम करने वाले मिस्त्री लाल बाबू ने बताया कि आज दुकान खोलने पर देखा कि दुकान की दीवार टूटी हुई है और केबल का काम करने वाले हमर से लेकर जरूरत के सारे सामान वहां से गायब है। लाल बाबू ने बताया कि 2 वर्ष पहले भी दुकान में चोरी हुई थी और लॉकडाउन के दौरान दुकान की टीन की छत तोड़कर भी चोरी करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बताया कि लगभग 25 किलो की निहाई भी चुराने की कोशिश की गई, लेकिन चोर उसे नहीं ले जा सके। घटना स्थल से चोर का जैकेट भी बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचित करने पर वे आकर देख कर चले गए। वही रमेश विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन फिर चोरी हो गई। पुलिस को बताने पर वे हमें ही चोर को पकड़ कर लाने को कहते हैं। मामला है, अभी सुबह हम लोग दुकान खोले हैं तो देख रहे हैं मेरा उधर से टीना तोड़ के जो है दीवार तोड़ के सब सामान ले गया है। करीब 15,000 का आसपास का सामान है और निहाई वही जितना मेरा केबल काम करने वाला था हमर था वो सब लेके गया है और निहाई जो है ना वो निकाला है। निहाई बगल में गिरा है, बगल वाला का भी सब टीना टूटा है, उसी में जो है ना निहाई मिला है। और प्रशासन भी आई थी, देख के गई, बोले कि ठीक से आप लोग रहिए, हम लोग अगर केस करना है तो हम लोग किसके ऊपर केस करेंगे, हम लोग तो किसी को जानते नहीं है। और यहाँ रोड में जो है ना दिन दहाड़े जो है ना चोरी होता है, गाड़ी से एक रिपेयरिंग दुकान है, पत्ती का काम होता है, चेचिस का पत्ती का काम होता है। पहले भी 2 साल पहले भी हुआ था, उसके बाद भी जो है ना पिछला लॉकडाउन में भी फिर टीना उखड़ा था तो फिर हम लोग टीना को जाम किए थे। उस समय भी प्रशासन को बोले थे, बोले कि ये तो चोर का जगह है, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का अगर नाम बताना है तो बताइए, तो हम लोग किसी को देखे नहीं तो किसी को बता नहीं सकते हैं। कल रात का ही भोर में हुआ होगा, कल तो हम लोग यहाँ 7 बजे दुकान बंद करके गए हैं। लोगों का सामान है मेरा जो है भारी, जो जिसमें हम लोग पत्ती पीटते हैं वो वाला उठा के जो है दीवार से पार गया है, वो बगल में गिर गया है, इसके चलते वो भाग गया है, वो नहीं तो पूरा दुकान जो है मेरा खाली हो जाता है। बहुत सा सामान जो है मतलब ऐसे भी चल गया है और तो जो बचा था वो भी चल जाता, लेकिन वो निहाई गिरने की वजह से जो है थोड़ा सा सामान मेरा बच गया है और बगल वाला का भी टीना टूटा है, वो निहाई ये वाला है। देखिए, हम लोग का दुकान यहाँ बस स्टैंड में करीब 30-35 साल से है, ट्रक का बॉडी उडी बनता है, आए दिन यहाँ पर ही बराबर हमेशा चोर चुहार हमेशा चोरी करता है। बीच में ट्रक लगा था, बाहर में ये लोग सेल्फ चोरी कर लिया था ट्रक का, तो हम लोग बड़ा बाबू से मिले थे, बताए थे, वो लोग आश्वासन दिए थे कि अभी तो चोर का तो आपको पता नहीं, देखे नहीं है, लेकिन हम लोग रात में वहाँ गश्ती थोड़ा डाल देंगे तो रात में चोरी नहीं कर पाएगा। लेकिन कल रात का घटना है कि कल दुकान का दीवार को कोना से तोड़ के और अंदर घुसा, और घुसने के बाद करीब 65 किलो का निहाई है उसको उठा करके वो लोग लेके जा रहा था, तो मेरा गैरेज में वो लोग टीना के अंदर सीधा घुस के गिर गया, जिससे वो लोग को लगा काफ़ी चोट लगा होगा, क्योंकि अंदर मेरा बांस सामान उमान रखा हुआ है, उसके कारण वो लोग निहाई को उठा के नहीं ले जा सका। निहाई के कारण गैरेज का कुछ कुछ सामान वो लोग चोरी कर पाया है छोटा मोटा, नहीं तो लाखों का सामान कल रात में गायब हो चुका रहता। हम लोग सुबह आए, देखे टीना मेरा ऊपर से पूरा उखड़ा हुआ है, ये मिस्त्री साहब का सामान पूरा गायब है। हम लोग थाना 100 नंबर को डायल किए, 100 नंबर डायल करने के बाद आधा घंटा के बाद SI आए, प्रसाद सर कोई करके थे, वो बोलते हैं आप लोग चोर का गढ़ में काम करते हैं रहते हैं, आप लोग को यहाँ काम नहीं करना चाहिए, दूसरा जगह कहीं गैरेज बसाइए, यहाँ चोर का अड्डा हो गया है। हम लोग बोले सर हम लोग क्या करें, हम लोग तो बस स्टैंड मेन रोड में है, यहाँ तो मेन रोड में कभी जल्दी ऐसा होता नहीं है, लेकिन आए दिन देख रहे हैं कि हमेशा रोड में चलते हुए गाड़ी में चोरी हो जाता है। हम लोग को चोर धमकी देता है कि तुम लोग का मंथली दो, नहीं तो तुम लोग का सामान यहाँ से गायब कर देंगे। होता है कि हम लोग को यहाँ मंथली चाहिए, महीना चाहिए, हम वो लोग को जानते नहीं है, लेकिन भट्टा का वो लोग रहता है आगे तरफ का है, और उस दिन भी बीच में हाल फिलहाल में ये लोग रोड में ना लोहा चोरी कर रहा था, हम लोग उसको पकड़े और उसको जैसे मारे दो चाप वो तारा मंदिर होते हुए भाग गया। हम लोग बोले कि यार लोग चलती गाड़ी में उस दिन पुलिस आई भी थी, पुलिस भी दौड़ाई थी वो लोग, लेकिन पकड़ में नहीं आया। यही है कि इस रोड में
बढ़िया से गश्ती हो, यहाँ एक प्रशासन पुलिस रहे। पुलिस हमें कहती है कि आप चोर को पकड़ के दीजिए और आप अपना यहाँ रात में आदमी रखिए, हम लोग नहीं रख सकते, पुलिस के पास इतना समय नहीं है, आए और देख के चले गए। और दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।